नमस्कार। जिस विषय पे हम आज बात करना चाहते हैं वो है जो हृदय जन्म से हृदय रोग ग्रसित बच्चे होते हैं उनमें किस तरह का पोषण होना चाहिए। इसको हम तीन अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नवजात शिशु जो स्कूल जाने एज ग्रुप वाले शिशु होते हैं बच्चे होते हैं और एडल्ट जिनको हृदय रोग होता है। तो नवजात शिशु में जो मेन प्रॉब्लम होती है उनको हृदय रोग की वजह से उनकी सांसें तेज़ चलती हैं, उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से वो फीडिंग सही तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए उनकी फीडिंग पे खास ध्यान देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त क्योंकि उनको हार्ट फेलियर की समस्या होती है तो उनकी जो अंतड़ियाँ होती हैं उनमें किसी हद तक सूजन होती है जिसकी वजह से जो वो खाना खाते हैं वो सही तरह से उसका पाचन नहीं हो पाता, इसलिए भी इन बच्चों की फीडिंग पे खास ध्यान देना पड़ता है। अब इसे किस तरीके से देखा जाता है, इन बच्चों को किस तरह से फीड किया जाए वो डिपेंड करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ फीडिंग जो है वो हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग, मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्योंकि इनकी सांस की गति जो होती है काफ़ी तेज़ होती है तो वो कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले पाते। उस सिचुएशन में ऐसे बच्चों को कभी कभी चम्मच से फीड करा सकते हैं या एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी ट्यूब फीडिंग, जिसे हम राइल्स ट्यूब फीडिंग बोलते हैं, वैसे भी करा सकते हैं। इन बच्चों की जो डिमांड होती है क्योंकि उनकी सांस की गति तेज़ होती है और मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो इन बच्चों को नॉर्मल से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से इन बच्चों के फीड्स को कभी भी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, उसके विपरीत इन बच्चों को हाई कैलोरी डाइट देने ज़रूरत पड़ती है जिसमें आप सप्लीमेंटल एनर्जी जैसे ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर होता है ये थोड़ी मात्रा में फीड्स में ऐड कर सकते हैं ताकि इनका एनर्जी जो इनपुट है वो बढ़े। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों को जिनमें हार्ट फेलियर होता है दो चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। इनके जो वाटर या फ्लूइड इनटेक जो है उसको कम रखना चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से इनमें सूजन आ सकती है जिसकी वजह से हार्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है। यही बात नमक के मात्रा पर भी लागू होती है, इनका नमक का जो इनपुट है उसको भी कम रखना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हृदय रोग से प्रेरित होते हैं लेकिन उनमें नीलापन होता है और नीलापन होने की वजह से उनकी जो एक्सरसाइज लिमिटेशन होती है वो कम रहती है। तो ऐसे बच्चों में जिनकी एक्सरसाइज लिमिटेशन कम होती है इनमें वज़न बढ़ने का चांस रहता है क्योंकि ये एक ही जगह पे रहते हैं और खाते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के डाइटरी जो है उस पर खास ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा वज़न ना गेन करें क्योंकि वो भी हार्ट पर इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम इन बच्चों को इनकी बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं उनमें एक डाउट रहता है कि क्या ऐसे बच्चों को घी मक्खन दे सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर जब एडल्ट होते हैं उनमें जब पाया जाता है कि इनमें घी नहीं देना चाहिए मक्खन नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि एडल्ट्स में या बड़े लोगों में जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो भिन्न प्रकार की होती है। उसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट की जो कोशिकाएँ होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने की चांसेस रहते हैं, इस वजह से उनको घी या मक्खन जैसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हृदय की बीमारियां जो होती हैं वो अलग होती हैं और उन्हें हाई एनर्जी डाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसे बच्चों को यूजुअली घी मक्खन की नॉर्मल मात्रा दे सकते हैं, उससे परहेज़ नहीं रखना चाहिए। दूसरी जो समस्या आती है कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो एक ही समय पर ज़्यादा फीड नहीं कर पाते क्योंकि वो थक जाते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है या अनिवार्य है कि ऐसे बच्चों को छोटी छोटी मात्रा में बट रेगुलर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे फीड कराया जाए ताकि जो भी वो ले उसको वो सही तरीके से पचा सके। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए उन बच्चों में खासतौर पर जो जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित हैं। धन्यवाद।